हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास में न्यू चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो अगर किसी को बेसिक्स पढ़ना हो तो वो इस आई बटन पे क्लिक करके पॉलिनोमियल के बेसिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे साथ इस लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ को देख के आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, या 9th में आपने पढ़ा होगा, कि अगर आपकी डिग्री 1 है तो उसके कितने जीरोस होंगे, एक जीरो, ठीक है। और उसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, ax प्लस बी। अगर डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे, दो, और उसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ये होगा। इसी तरीके से क्यूबिक का क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इतने, इसके एक जीरोस, इसके दो जीरोस और इसके तीन जीरोस होंगे, ठीक है। एक जीरो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। आपने जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल कट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। इट मीन्स वो पॉइंट क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि वहां पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वाई मीन्स ये साइड, एफ एक्स को ही हम वाई भी कहते हैं। एफ एक्स, पी एक्स, जी एक्स, जितने भी इस साइड है उसको वाई बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, जीरो। इसीलिए जहां पे एक्स एक्सिस पे टच करती है कर्व को, कर्व टच करती है एक्स एक्सिस को, उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। अब देखिए, पहला बोला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाएगा कर्व, ये तो बनाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाएगा, पहला बोला, पहला बोला कर्व कैसा होता है, ऐसा, ठीक। वो एक्स एक्सिस को जितने, वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर टच करेगी। आपने देखा होगा यहाँ पे दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे उसने टच किया है, ठीक। ये दोनों पॉइंट जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज और देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो जाएगा ये ऐसा कर्व, ठीक। अब ये कर्व को कितनी जगह पे टच कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक, दो, तीन, एक्स एक्सिस को तीन जगह पे टच कर रहा है। इसका मतलब वाई तीन टाइम्स जीरो हुआ है। यहां पे वाई जीरो है, इस पॉइंट पे वाई जीरो बना और इस पॉइंट पे वाई जीरो बना। इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, इसके तीन जीरोस होंगे, ठीक, 1 2 3। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो पैराबोला, मान लेते हैं पैराबोला कर्व कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक ठीक अब देखिए, यहां पे इसने एक ही पॉइंट पे टच किया। अगर एक ही पॉइंट पे टच किया तो क्या मैं क्या बोलूंगा कि एक ही जीरोस हैं, बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है, 3। तो इसने x इक्वल टू 3 पे टच तो किया है, लेकिन अब इसके अभी भी पॉइंट एक पे टच किया है, लेकिन अभी भी इसके दो जीरोस ही होंगे। लेकिन दोनों जीरोस क्या होंगे, 3, 3, ठीक, दोनों जीरोस इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है 3, तो इसके क्या दो ही जीरोस होंगे, बिल्कुल नहीं। ये कर्व देख के आप पहचान जाइए, अगर ये कर्व थोड़ा सा और नीचे होता तो ये दो जगह टच कर रहा होता, अलग अलग जगह, लेकिन अभी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके निकल गया। तो ये कर्व देख के आप सिंपल बता सकते हैं कि कितनी बार मुड़ा है, एक बार, दो बार, ठीक है। जो दो बार मुड़ता है वो क्यूबिक कर्व होता है, जो एक बार मुड़ता है वो पैराबोलिक कर्व होता है, और जो चार बार मुड़ेगा, जैसे कि देख लीजिए आप ये वाला कर्व, मैं बताता हूं,
ये कितनी बार मुड़ा है, 1, 2, 3, तो इसकी कितनी डिग्री होंगे, 4 डिग्री होंगे, ठीक। ये देखिए 1, 2, 3, 4, कितनी जगह कटा है, ये 4 जगह इसने एक्स एक्सिस को काटा, यानी इसके कितने जीरोज होंगे, 4 अलग अलग जीरोज होंगे। इसका मतलब इसके डिग्री कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4। इसी तरीके से यहां पे क्या होगा, इसके ये दो जगह मुड़ा है, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे, एक होगा -2, एक होगा 3 और दूसरा भी होगा 3। जहां पे कट के करके निकल जाता है वहां पे एक ही जीरोज होते हैं, लेकिन जहां पे टच करता है एक्सिस को वहां 2 जीरोज होते हैं, ठीक। जैसे ये कट करके निकल गया एक ही जीरोज होंगे, यहां पे टच करके निकला है 2 जीरोज, यहां पे कट करके निकला है 2 अलग अलग जीरोज होंगे, ठीक। जैसे यहां पे सारे पॉइंट पे कट किया हुआ है, ठीक, तो यहां पे कितने जीरोज होंगे, 4 अलग अलग जीरोज होंगे। एक और नई चीज बताता हूं आपको, आपको पता है कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं वो 1, 3, 5, 7 होते हैं, और इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8। तो मान लेते हैं इधर कि ऑड डिग्री वाले मैं लिख रहा हूं अभी पॉलिनोमियल इस साइड, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा fx = ax + b, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीजिए, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये इधर से स्टार्ट हुआ और इधर खत्म हुआ, या फिर ये ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं तो ये बनेगा ऐसा, इधर से स्टार्ट होगा इधर खत्म होगा, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन ही, ठीक। अब आते हैं क्यूबिक पे, ax³ + bx² + cx + d, ठीक। अब इधर देखिए ये क्या होगा, ये इधर से स्टार्ट होगा, एक साइड से स्टार्ट होगा, दूसरी साइड ही खत्म होगा, ठीक। और नहीं तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इधर से स्टार्ट होगा और इधर बनेगा, ये सेम साइड खत्म फिनिश नहीं होंगे, इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देखिए एक्स बढ़ता जा रहा है, वो उस साइड जाके खत्म होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इससे नेक्स्ट डिग्री क्या होगी, 5 के लिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, ax⁴ + bx⁴ + cx³ + ex + f, ठीक। इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना डिग्री है उससे एक कम बार वो कर्व मुड़ता है, ठीक। यहां देखिए इधर से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस हुए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 5 जगह काट रहा है, ठीक। उसके बाद इधर से स्टार्ट हुआ है और इधर जाके खत्म होगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जाके खत्म होते हैं ऑड पॉलिनोमियल वाले, या फिर अगर ऊपर से स्टार्ट होगा तो 4 बार मुड़ के नीचे जाके खत्म होगा, लेकिन इवन डिग्री वाले क्या होते हैं, इवन डिग्री वाले या तो ऐसे कर्व बनेंगे या ऐसे कर्व बनेंगे, ठीक है। देखिए दोनों एक ही साइड खत्म हो रहे हैं, ये और ये भी दोनों एक साइड खत्म हो रहे हैं, इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि डिग्री इवन है कि ऑड है। अगर ऑपोजिट साइड खत्म हो रहे हैं तो ऑड डिग्री है, और सेम साइड इधर या तो ऊपर या दोनों नीचे खत्म हो रहे हैं तो इवन डिग्री है। जैसे कि ये तो कितना डिग्री हो गया था, ये क्वाड्रेटिक हो गया था, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2। अब मैं डिग्री 4 की बात कर रहा हूं, डिग्री 4 क्या होगा, देख लीजिए, या तो ये एक ही साइड ऊपर खत्म होंगे दोनों, ऊपर से आया और फिर ऊपर चला गया, या फिर दोनों नीचे खत्म होंगे, जीरोस काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस हो गए, यानी डिग्री 4, इधर भी काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक। आपको मैंने दो तरीके बता दिए आइडेंटिफाई करने के डिग्री कैसे होते हैं, एक तो इवन ऑड डिग्री आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये देख लीजिए, जिधर से स्टार्ट हुआ अगर उधर ही खत्म भी हो रहा है तो इवन है,
जिधर से स्टार्ट हुआ उधर खत्म नहीं हो रहा, ऑपोजिट साइड खत्म हो रहा है, तो डिग्री ऑड है। उसके बाद जितनी बार वो कर्व घूम रहा है, यहाँ पे एक बार घूमा, यहाँ दूसरी बार घूमा, यहाँ तीसरी बार घूमा, तीन बार अगर घूमा तो उससे एक ज्यादा उसकी डिग्री होगी। फोर, वन टू थ्री, तीन बार घुमा ये कर्व, तीन बार टर्न लिया, ठीक, इसीलिए इसकी डिग्री फोर। ये कितनी बार टर्न लिया, एक बार, तो वन प्लस वन एक ज्यादा, डिग्री इसकी कितनी होगी टू। ये एक बार भी टर्न नहीं लिया, सीधा चलता चला गया, इसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं जीरो, उससे एक ज्यादा इसकी डिग्री होगी यानी वन, इसकी डिग्री वन। इसने कितनी बार टर्न लिया, एक दो बार टर्न लिया, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी दो से एक ज्यादा, तीन। या तो आप नंबर ऑफ टर्न से डिग्री पता कर लीजिए या फिर जितनी जगह काट रहा है उससे पता कर लीजिए। जैसे कि अब मान लीजिए मैं कंफ्यूज्ड हूं, ठीक, मैं कंफ्यूज्ड हूं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को तो एक ही जगह काट रहा है, ठीक। देखिए जैसे कि एक यहां पे काटा और एक यहां पे काटा, अब मुझे हो रही है कंफ्यूजन क्योंकि ये टर्न तो दो बार ले रहा है और डिग्री कितनी और जीरोस कितने हैं, दो जगह काट रहा है ये। इसका मतलब क्या है, इसे काटना कहते हैं, इसे टच करना कहते हैं। इसका मतलब इसका टर्न क्या है दो, और इसने टर्न कितने लिए हैं दो, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी थ्री, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं एक दो, इसका मतलब यहाँ पे जो टर्न ले रहा है ना, टर्न पे इसके टू इक्वल जीरोस हैं, यानी यहाँ पे दो जीरोस हैं और यहाँ पे वन जीरो है, तो मिला के हो गए तीन जीरो। टर्न पे अगर टच करता है इसका मतलब वहां पे दो इक्वल जीरोस हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं कि एक्स एक्सिस को तो दो ही बार टच कर रहा है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप टर्न से पता कर सकते हैं कि दो बार टर्न कर रहा है ना, इससे एक ज्यादा यानी थ्री इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से अगर कोई कर्व दिया रहेगा आपको तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी होगी, उसके जीरोस कितने होंगे, ठीक है, और आराम से बता सकते हैं कि इस कर्व को देख के इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर उसमें इससे आगे का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर्स, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।